इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ यार, कल हनीमून के लिए निकल रहे हैं। अरे ओ मैडम, हमको भी लेके चलो हनीमून पे। अरे खुश कर दूंगा। तू खुश करेगा? मैं खुश करती हूँ तुझे। सबसे बदला लेंगे हम, सबसे बदला लेंगे। छोड़ेंगे नहीं किसी को, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ए राजा रुक ना। अरे रुक तो जरा। ओए चिकने आ जावे।
राजा, जन्नत की सैर करा दूंगी। मेरा नाम रत्ना है। ये क्या बला है बे? गुड़िया, गुड़िया नाम है इसका। गुड़िया इसका मतलब तो उन टेढ़े आदमियों में से है जिनको ऐसी भलती चीजें अच्छी लगती हैं। ये लो, पहनो। ठीक है। क्या मेरे सामने पहनो। जैसा तू बोले मेरे राजा। तुम तो इस कपड़े में बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। स्कूल की बच्चियां पसंद है बे? हाँ, बहुत मासूम होती है वो। तुझ जैसी कमीनी नहीं। कमीनी? पर तुझ जैसे को ना मिलते भी मुझ जैसी कमीनी है। स्कूल की बच्चियां ना तुझे दाना भी नहीं डालेंगी। चल निकाल मेरा 1,000 रुपया। 1,000? लेकिन तुमने तो बोला था कि 500 रेट है तुम्हारा, 1,000 कैसे हो गया? बाकी 500 कमीनी से गुड़िया बनने का, फालतू में फोकट का तेरा वो कपड़ा पहनने का। फालतू का कपड़ा नहीं है ये, और कपड़ा पहनने का 500 रुपया, ये कौन सा रूल है तुम्हारा? मेरा धंधा मेरा रूल, फालतू में टाइम खोटी मत कर मेरा। चल मेरा 1,000 रुपया निकाल। ये 500 रुपया है मेरे पास, ये पकड़ और चलता बन यहाँ से। हाँ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये। अरे तो है ही नहीं तो कहाँ से तू? जितना लुखा तू है ना उतनी बड़ी बड़ी तेरी फरमाइश है। तुझे याद है ना तुझे गाँव वालों ने पीट पीट के गाँव से बाहर निकाला था लड़की को छेड़ने के चक्कर में। सही किया उन्होंने, ले ले तेरे 500 रुपए। ताजमहल खड़ा कर लेना इनसे तू। और हाँ एक बात याद रखना, ना तुझे तेरे पैसे कभी मिलेंगे और ना ही कोई स्कूल की बच्ची। बहुत ज्यादा बढ़ गई रे तू। बोलेगी रे तू।
औरतें कमीनी होती है, स्कूल की बच्चियां प्यारी होती है। औरतें कमीनी होती है, स्कूल की बच्चियां प्यारी होती है। औरतें कमीनी होती है। राहुल, किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हारे पापा की एज के होंगे वो। पापा की एज के? पर पापा तो नहीं, और वैसे प्यून लोग की इज्जत कौन करता है? प्यून हो या प्रेसिडेंट, रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए। तेरी कोई इंसल्ट करेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। मिल गई हमको हमारी परी, हमारी गुड़िया। ऑटो, ऑटो, स्टेशन चलोगे भैया? हाँ बेटा। आज ही स्टेशन जाना है भैया, इतना स्लो चलाओगे तो कल पहुंचेंगे। एक्सीलेटर दबाओ। हेलो यार, अभी तो ऑफिस से निकली हूँ। साले इस बॉस को ना कीड़े पड़े। ओके बाय। अरे भैया, ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये स्टेशन का रास्ता नहीं है, स्टेशन तो उस तरफ है। पर हमको स्टेशन नहीं जाना ना। रोको ऑटो, रोको भैया, ऑटो रोको, रोको वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ऑटो रोको। क्या बोलती है यार, मुंह नहीं दुखता क्या? ऑटो रोको। वो कहते हैं ना कि इंसान की सोच उसके जीवन का सबसे बड़ा आईना होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी छवि उज्जवल दिखाई देगी। अगर आपकी सोच खराब है तो आप बाहरी तौर पर कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी खराब सोच आपको विकृत बना देगी। हमारे समाज में तरह तरह के लोग हैं जिनकी अलग अलग सोच है। कई बार ये सोच क्रांति लाकर हमारे देश का उद्धार करती है, तो कई बार यही सोच कई जिंदगियां बर्बाद करती है, जैसा कि भीरू कर रहा था। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी को देखकर आपको झिझक महसूस होगी, लेकिन इस कहानी को देखना आपकी सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। रिक्शा, आज फिर पक्का लेट हो जाऊंगी स्कूल के लिए। रिक्शा, चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। लेकिन आपके तो रिक्शा में सामान रखा हुआ है। हटा देते हैं, एक मिनट। बैठो।
आज तो टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया। सबका यही हाल है। ए! उसको मत छूना। क्यों अंकल, क्या है इसमें? छोड़ ना राहुल, तुझे क्या फर्क पड़ता है। सॉरी दादा, आप चलो। मेरी प्यारी गुड़िया। क्यों बे, रत्ना किधर है? तेरे साथ गई थी ना? हमको क्या पता, भाग गई होगी किसी के साथ। हम क्या ठेका लेके रखे हैं क्या? किसी के साथ नहीं, तेरे ही साथ गई थी। हाँ, हमारे साथ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चली गई। और उसका काम ही है ना नए लोगों के साथ जाना रोज रोज, समझे? अरे एक बात और सुन, तुमसे ना बोर हो गई होगी इसलिए भाग गई होगी। अब पका मत, जा यहाँ से। अब तू सीधा पुलिस चौकी चलेगा, चलना। मैं चलना पुलिस चौकी? अबे छोड़ना। अबे चल तू, अभी वहीं चलेगा। चल पुलिस चौकी चल तू। अबे चलना बोलो, छोड़ना। और तू क्या, चलना। पक्का साहब, उस पागल ऑटो वाले ने रत्ना के साथ कुछ किया होगा। देखो मेरा क्या हाल कर दिया साहब। उस पागल वाले ऑटो के पीछे ना एक अजीब सा पोस्टर लगा हुआ था, साला पूरा पागल था वो। देख भाई, तू रत्ना की पूरी कमाई खाता था तो उसने सोचा होगा कि सारा काम वो करे, पैसा लेके तू जाए, कहीं चली गई होगी। तू अपना दिल छोटा मत कर, कोई अच्छी सी जॉब पकड़ ले, काम करो, वरना लॉकअप की वैकेंसी खाली है अभी। हो साहब, मैं कोई दलाल नहीं, रत्ना का दोस्त हूँ। रत्ना कोई भागने वाली लड़कियों में से नहीं थी। तू क्या शादी करने वाला था उससे? नहीं साहब, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरी बेटी घर नहीं लौटी। ऑफिस से तो निकली थी लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई। सर, आपकी बेटी के ऑफिस का एरिया कौन सा है? सर, आजाद नगर में काम करती सर वो। कल उसने ऑफिस से फोन भी किया था सर, कहा कुछ काम ज्यादा है तो आने में देर होगी। लेकिन सर, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। और सर, ऑफिस वालों से भी कोई पता नहीं चल रहा है। पता नहीं सर, मेरी बेटी कहाँ चली गई सर। देखिए, आप घबराइए मत, आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे। हिरण, एक काम करो, इनकी बेटी की सारी डिटेल लो और आजाद नगर के आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट करो। यस सर। सर, आपकी बेटी के बारे में जैसे कुछ पता चलता है हम आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सर। साहब, मेरा कंप्लेंट का क्या हुआ? बता बता, उसका एड्रेस बता, रिक्शे वाले का। उसके दोस्त कमल ने तेरे नाम कंप्लेंट दिया है। साहब, वो कमल पागल है, एक नंबर का पागल है। पता है, हमको भी मारने आया था, एक नंबर का पागल आदमी है। साहब, वो रत्ना 2 घंटे के लिए खोली पे आए थे, उसके बाद कहाँ गई नहीं गई, हमको क्या पता? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ नहीं साहब, अब ऐसी और कहाँ जाती है, नहीं जाता, हम लोग क्या पता। ए शरीफ की औलाद, शरणपति नहीं समझा, वो भी लेके आया था ना उसको यहाँ पे। अभी बोलता किधर गई, कौन गई। अरे नहीं नहीं साहब, हमारा वो मतलब नहीं था, मतलब कि अब ऐसे ऑटो का कोई पता ठिकाना तो होता नहीं है, तो इसलिए। साहब, उसको ना एक फोन आया था, वो हमारे सामने ही बात कर रही थी, उसको ना किसी से मिलना था रेलवे स्टेशन पर, शायद वहाँ गई होगी वो। और साहब, ये कमल है ना पगला पागल, ये ना इसको बाहर काम नहीं करने देता था। अब हमको तो लगता है ना वही कुछ किया होगा उसके साथ। हम काहे के लिए उसके सब कुछ करेंगे, हम तो ढंग से जानते भी नहीं है उसको। करीब आदमी है, घर के बाहर क्या है? सब वहाँ कुछ नहीं साहब, साहब उधर कुछ नहीं है।
अरे साहब वहाँ कुछ नहीं है, सूखा कुआं है बस। ए ज्यादा शान पति नहीं समझा क्या, देखो मालूम है कहाँ क्या है। सर साहब का फोन आया था, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। चलो क्या रे, गुड़िया का पोस्टर कौन लगा था ऑटो के पीछे, एड़ा है क्या? चले सुबह से मेरी परी दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। ऑटो, ऑटो, गांधी मार्केट आओगे? अच्छा। भैया तो थोड़ा आगे जाकर राइट में रुका देना। ये लो मैडम, अब 50 रुपए के लिए 500 रुपए का छुट्टे कहाँ से लाऊं? अरे तो छुट्टे मेरे पास कहाँ हैं? क्या छुट्टे मेरे घर में उगते हैं? मैडम तो मेरे घर में भी नहीं उगते हैं, आप लोगों बस ऑटो वाले को परेशान करना आता है। तो जाओ उस दुकान में जाके छुट्टा लेके आओ। आपका पैसा है आप लेके आओ ना छुट्टा, आपका नौकर हूँ क्या? सब बदतमीज आदमी है। अरे तेरी औकात कहाँ की तेरे जिसके साथ मैं मुँह लगूँ? मैडम ज्यादा बोल रही हो, खींच दूंगा एक यहीं पे। मम्मी आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे ये कब से दिमाग खा रहा है ये ऑटो ड्राइवर। अरे छुट्टे की जरूरत नहीं है, आप जाइए। और ये पैसे? आप जाइए ना, घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी अच्छी ड्रेस है मम्मी, प्लीज दिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अभी तो लिया था ना, तुम्हें तो बस पैसे ही वेस्ट करने हैं। मम्मी स्कूल ड्रेस को कपड़े दिलाना नहीं बोलते हैं, एक बार देख तो लेते हैं अंदर चल के। नहीं बोला ना, चलो यहाँ से। ये कितने का है? 3.5। 3.5? 3.5 हजार। और ये वाला? ये 2.5 हजार। बहुत महंगा है अंकल। वो जो पुतले पे लगा है काला सा, वो दिखाइए ना। अंकल वो वाला दिखाओ ना, वो लाल वाला। ये कितने का है? 3,500। बहुत महंगा है आपके पास सब। 3,000 रहने दीजिए, बाद में देखता हूँ मैं। आज रिया मेरी होगी, सिर्फ मेरी। आ गई मेरी गुड़िया, मेरी परी। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या मैं ये ऑटो ले लूं? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।
अरे लेकिन आप दूसरा ऑटो ले लो ना, मिल जाएगा 2-3 मिनट में। आप अरे दादा कोई बात नहीं, इनको लेट हो रहा है ना, आप इनको लेके जाओ, कोई बात नहीं। अरे लेकिन तुम्हें भी स्कूल के लिए लेट होगा ना। अरे दादा आज मैं जल्दी निकली थी घर से, कोई बात नहीं, आप इनको लेके जाओ ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। भैया जल्दी चलो, मुझे बीके से जाना है। भैया जल्दी चलो। लेके चलता हूँ बीके से। बैठ रही थी ऑटो में, अच्छे से बैठ रही थी, लेकिन नहीं तुमको तो इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तो हम बनाते हैं तुमको आईएएस। आज हमारा सबसे अच्छा प्लान को ना तुम नाश करके रख दिया, नाश करके। आज हम और रिया ये होने वाले थे, पता पता दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, वो स्कूल की बच्ची है और तुम 40 साल के ऑटो वाले, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते? तुम्हारा कंप्लेंट तो पुलिस में करना होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम 32 साल के हैं समझी, और दूसरा ये कि कंप्लेंट कर रहे हैं ना तुमको, चल जा कंप्लेंट कर। हमको हमारे परीक्ष से लगती है ना, अब सजा भुगत। लगता है हाथ फ्रैक्चर हो गया। अरे पुलिस को कंप्लेन कैसे करोगी? मुझे जाने दो प्लीज। अरे सुनो सुनो, एक काम करो तुम यहीं पर रह जाओ, एडवांस में भाड़ा दे देना है। मुझे छोड़ दो। सुनो हमारी परी है वो, बैठ रही थी ना अच्छे से ऑटो में वो, लेकिन नहीं तुमको तो इंटरव्यू देना है ना, इंटरव्यू इस कुएं में एक बार जो आता है ना, प्लीज मुझे जाने दो, वो दोबारा वापस नहीं जाता है। सना की मनोग्रस्थी को अगर जल्द ही काबू नहीं किया जाए तो इंसान अपने ही पागलपन का गुलाम बन जाता है। यह भी उतना ही सच है कि जो इंसान अपनी मानसिक लड़ाई लड़ रहा हो वो खुद ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। और भीरू जिसे अपनी इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए था, वो इस बीमारी का लुत्फ उठा रहा था, और यहीं से पैदा हुआ एक नया जुर्म जिसका शिकार हुए वो लोग जो इस मानसिक रोगी के आसपास थे। भीरू ने कई संगीन जुर्म को अंजाम दिया, कई मासूम जिंदगियां बर्बाद की, और हैरानी की बात तो यह है कि वो अब तक पुलिस की नजर में नहीं आया था। आइए देखते हैं आखिर कौन होने वाला था भीरू का अगला शिकार। ये तीनों लड़की आजाद नगर से गायब हुई। तर तीन क्यों? ऋतुजा और आश्री दो ही तो, रत्ना भी तो है। वो कमल ठीक बोल रहा था, अब तक हमें ये लग रहा था कि रत्ना भाग गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मामला कुछ और ही है। लेकिन सर हमने जहाँ तक पता किया है ऋतुजा और राजश्री को आखिरी बार लोगों ने ऑटो पकड़ते देखा था। नालेगा मैप ले आओ। यस। सारी लड़कियां यहां से यहां इस एरिया के बीच में गायब हुई। हेलो कांस्टेबल नालेकर, आपको एरिया की लोकेशन सेंड कर रहे हैं। उस एरिया से 3 लड़कियां मिसिंग है, लास्ट टाइम उन्हें ऑटो में देखा गया था। एरिया के हर एक ऑटो वाले से पूछताछ कीजिए और हमें बताइए कि उन्होंने लड़की को राइड दिया था या नहीं, और राइड दिया था तो उन्हें कहाँ छोड़ा। यस।
दिया कि स्कूल से आने का टाइम हो गया। छोड़ पाए थे ना, इसीलिए भगवान ने आपको शाम के लिए भेज दिया। सही में, बैठो। ऐसा हम एक फिल्म में देखे थे। अंकिल आए तुम्हारे लिए, हम प्रपोज कर रहे हैं और तुम रोए जा रहे हो, जैसे लग रहा अभी विदाई हो रहा है। गलत बात है, दो उंगली। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बताओ हम तो शादी करोगे ना तुम? एक मिनट। ये देखो, हाय हाय कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है हम लोगों की। नजर ना लगे, हाय हाय। अब हम लोग साथ में रहेंगे बिल्कुल लवर्स की तरह। देखो कितना अच्छा लग रहा है। पागल हो गया, मैं 16 साल की हूँ। अरे तो क्या हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम 16 की हो, हम 32 के हैं, दुगुना ही तो है। पता है तुमको वो ड्रेस चाहिए था ना, अरे वो जो तुमको तुम्हारी मम्मी ने दिलाई, हम लाए तुम्हारे लिए। देखो बहुत ख्याल रखेंगे हम तुम्हारा, बहुत प्यार करेंगे तुमको। क्या देखी आपने? हम सोचे थे ना कि पहले तुमको और ही करेंगे, उसके बाद तुमसे प्यार करेंगे, क्योंकि तुम तो मासूम लड़की हो। क्योंकि तुम एक मासूम लड़की हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो पर निकल गए ना टॉप से। मैम आपकी बेटी भी आजाद नगर एरिया से गायब हुई है ना? सर हमारे घर के पास ही रिया का स्कूल है, रिया मिल जाएगी ना सर? हम उसे ढूंढ लेंगे। सर स्कूल के रास्ते में एक सीसीटीवी कैमरा मिला है जिसमें रिया को लास्ट टाइम उस ऑटो में बैठते हुए देखा गया है जिसके पीछे स्कूल गर्ल का पोस्टर है। मेरी बच्ची रिया। सर एक दुकान से ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, एक पुलिस स्टेशन ने इसे अपलोड भी किया है। उस दुकानदार ने कंप्लेंट किया है कि उसके यहाँ से 1000 रुपीज का ड्रेस चोरी हुआ है। ये वही शॉप है जहाँ मेरी बेटी को एक ड्रेस बहुत पसंद आया, लेकिन मैंने ही उसे लेने से मना कर दिया। मेरी बेटी मिल जाएगी ना? सर इस फुटेज में तो ऑटो वाले का मुंह ढका हुआ है और ऑटो का नंबर भी नहीं दिख रहा है। ये पोस्टर दिख रहा है ना, बस इसी पोस्टर से हम उसे ढूंढ निकालेंगे। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में ये पोस्टर सर्कुलेट कर दो, किसी ना किसी को तो इस ऑटो वाले के बारे में पता ही होगा। यस सर। सर मेरी बच्ची रिया कहाँ होगी? आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। क्यों किया ऐसा? अरे कितना प्यार करने लगे थे हम तुमसे, और तुम क्या किए?
मुंह पे थूक दिए। अब तुमको भी मौत के कुएं में दफना देंगे, क्योंकि तुम भी बाकी लड़कियों जैसे ही निकलो। इसके बाद हम अपने लिए मासूम गुड़िया ढूंढेंगे, तो मेरा हर बात माने, मेरी परी की तरह। ये मेरी परी है, मेरी गुड़िया। मेरा हर बात मान, तुम्हारी तरह नहीं। ये तो वही पोस्टर है जो भीरू के आटे के पीछे था। सर, हाँ सर, इस ऑटो वाले को मैं जानता हूँ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो का नाम क्या है? परी। मेरी परी। सब छानबीन मारो, तुम अंदर जाओ। तो रिया के स्कूल की ड्रेस है। बैग चेक करो। सर, हाँ सर, अंदर से ये फोन मिला है, पूरा का पूरा फोन पोर्न वीडियोस भरा है, वो बच्चों के। बच्चियों को ढूंढो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिला है। जी सर। और हाँ कांस्टेबल, एक काम करो, इस कुएं में अंदर खुदवाओ। ओके। आई होप मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो। अंकल, आप मुझे कहाँ लाए हो? आज से ये हम दोनों का घर है। वो देख, पकड़ो। परी भाग। सब परी है वो। ए चुप। सारी परियां मैं तुझे हवालात में दिखाता हूँ, चल। भीरू की तनक उस पर पूरी तरह हावी हो गई थी,
उसे लगने लगा था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसे सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। जब कभी आपको आपकी गलत सोच जायज लगने लगे तो समझ लीजिए कि मदद लेने का वक्त आ गया है। भीरू ने अगर समय रहते अपनी हवस और वासना को समस्या मानकर उसका इलाज करवा लिया होता तो शायद वो मासूम जिंदगियां आज जीवित होती। ये हम सब पर लागू होता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर होती है। जीत उस बुराई को हराने में है, ना कि उससे हारने में। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।